और इधर बिहार में सियासी हलचल पर जेडीयू के सांसद कौशलेंद्र कुमार से बात की है सहयोगी रमन कुमार ने। कभी नीतीश कुमार का दाहिना हाथ माने जाने वाले आरसीपी सिंह ने जेडीयू की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इसका ऐलान अपने गांव नालंदा के मुस्तफापुर में किया। हमारे साथ नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार सिंह हैं। सर, आपको लगता है कि ऐसी परिस्थिति क्या आ गई? अभी कुछ दिन पहले वो जेडीयू के अध्यक्ष थे, केंद्र में मंत्री थे जेडीयू कोटे से, और अचानक उन्होंने कहा कि जेडीयू डूबता हुआ जहाज है। देखिए, आदमी को सब्र करना चाहिए। आरसीपी सिंह जब से पार्टी में आए तब से लगातार वो सत्ता में रहने का प्रयास किए। वो आए तो राज्यसभा बने और नीतीश जी ने बनाया भी, और बनने के बाद मैं समझता हूँ कि 12 साल वो राज्यसभा में रहे और थोड़ा सा भी सब्र वो नहीं कर पाए। अगर पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया तो जो टिकट दिया गया है वो ऐसे लोगों को दिया गया है जो पार्टी के लिए कुर्बानी दिया है। आपको अनिल हेगड़े को दिया गया, उनको आँख खराब हो गया। आज से नहीं, जौर साहब के टाइम से वो काम कर रहे हैं पार्टी का। एक से एक हमारे क्या उदाहरण है। वो कहते हैं कि डूबता हुआ जहाज है, तो डूबता हुआ जहाज वो हट गया तो डूब जाएगा जहाज। और वो थे जदयू में, अगर राज्यसभा उनको बना दिया जाता तो जहाज चलते रहता। ऐसा कुछ नहीं है। नीतीश कुमार जी बिहार में जो काम किए हैं उसके बदौलत वो आज मजबूत हैं। ऐसा नहीं कि बिना काम के मजबूत हैं। और आरसीपी सिन्हा 12 साल रहे हैं सांसद, उनको बताना चाहिए कि 12 साल में आपने कौन ऐसा काम किया। और गांव के लोग, इस बार जो अभी विधानसभा का चुनाव हुआ है, हम लोग वहाँ पीछे रह गए। उनका पंचायत जदयू पीछे रह गया। यही उनकी पार्टी थी, यही उनका करमात था, यही काम किए हैं वो। आप सोच लीजिए कि अपने पंचायत में भी लीडिंग नहीं दिए, अपने गाँव में लीडिंग नहीं दिए, और कहते हैं हम जदयू के बड़ा भारी लीडर हैं। धन्यवाद। यानी कि जेडीयू के नालंदा सांसद कौशल कुमार सिंह ने विस्तार से बताया कि आरसीपी सिंह ने जो कुछ संपत्ति अर्जित की है उसके बारे में उनको हिसाब देकर इस्तीफा देना चाहिए। कैमरा पर्सन अमित राय के साथ अमित कुमार, दिल्ली, News 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।